भारत में एक आदिवासी अपना जीवन किस तरह व्यतीत करता है, ये तो हम अपनी खबरों के माध्यम से समय समय पर आपको दिखाते आ रहे हैं। आजादी के लगभग 75 साल बाद भी आदिवासी समाज हमारे देश में विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया है, लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? जब सरकार बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद कर रही है, तो फिर देश के पिछड़े इलाकों में बसे इन आदिवासी परिवारों के बारे में कोई सोचता क्यों नहीं है? हर साल 9 अगस्त को दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को आदिवासी संस्कृति, इन लोगों के रहन सहन के तरीके से रूबरू कराना, और हाँ, आदिवासियों को उनका हक दिलवाने के लिए जागरूकता फैलाना। कहते हैं कि विश्व के 195 देशों में से 90 देश ऐसे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 37 करोड़ है, और हर देश में उनकी अपनी भाषा है। इस तरह बुंदेलखंड के भी कई क्षेत्रों में आदिवासी परिवार रहते हैं। बांदा, चित्रकूट, पन्ना, छतरपुर के इलाकों में ये परिवार जंगलों के किनारे रहते हैं, और जंगल से जड़ी बूटी बीनकर, लकड़ी काटकर ये अपना गुजारा करते हैं। पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर इन लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचती ही नहीं है। तो क्या हम इस आदिवासी दिवस के अवसर पर यह उम्मीद लगा सकते हैं कि इन लोगों की स्थिति में कुछ सुधार होगा? चो के लिए कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, पेट खूं तो रोटी नहीं, तन खूं कपड़ा नहीं, कौन सी मुसीबत से पाले जी बच्चा छोटे छोटे से। अब जिंदगी तो हमने निकाल दी, अब जो बच्चों की समस्या तो सोचे नहीं, सरकार सोचे नहीं, कोई रज्जत सोचे नहीं, कोई नहीं सोचेगा बहन जी। जे आज जे नदी के किनारे बैठे हैं, एक ऐसे हेमान मारे के शैतान मारे के कोई जी खाए के जानवर खाए के कोई नदी में उठेल दे पटक दे बहन जी, तो हमारा कौन है पालनहार? अब एक साड़ी अफींच के डाल दी, अब पानी में होकर निकलेंगे भाई, अपने पहन के चले जाएंगे बहन जी। गेती से पानी में डूब के पानी में ऐसे खुदे नहीं आते, तन पानी में पड़े वो खुदे रहे, और फिर इसको बुलाने हैं, फिर सुखा के ले जाने, वो भी 40-45 किराव लगने, उनको भाड़ो लगता है सवारी को किराव, लकड़ी है सब कल्लियाँ तो बेच के नंतर घूम के बैठे रहे। खेती किसानी क्या करत रहे बेटा, को क्या धियाँ लाई लीने न किसानन क्या, तो वहाँ बेटा काटेन बीने न आओ, और तुम्हारे का कहा थे 5 को जंगल लाई के नहीं है, तो जात रहने था कि कतो 120-130 की लकड़ी तो बिठा के सीधा बांधे चाहे आओत रहे नहीं, ते वो बंद है राजा, तब कहती वही के लाका कि कहाँ तक किसान दे खां का, वो कहते जाऊँ मजूरियाँ लगाई होता हूँ न जाने की कौतन का समय हो जाते, तो हम अपने से काटे भी नहीं पा रहे हैं। खाने खो नाज खत्म, और उन्ना कपड़ा खो भी परेशान, हर चीज खो भी परेशान। साल 2021 के मार्च के महीने में चित्रकूट के पास बरगढ़ घाटी कई दिनों तक आग की लपटों से दहकती रही, और इसी आग में दहका आदिवासी परिवारों का रोजगार। इस आग ने जंगल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और जीव जंतुओं के साथ नष्ट हुए जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे। इन लोगों का रोजगार छीनने के बाद अब तक सरकार ने इनको कोई दूसरा रोजगार दिलवाने का इंतजाम नहीं किया है। अब हमारे जंगल में आग लगी है, तो जो जड़ी बूटी तोड़ते रहे हैं वो सब जल गए हैं, क्या खाएंगे हम लोग, गरीब मनई मर जाएंगे, पत्थर है इधर न काम न धंधा कुछ नहीं है, हम लोग मर जाएंगे। जंगल का बहुत नुकसान, कीड़ा मकोड़ा जानवर जितने हैं सब, और पत्ता भी तोड़ते हैं तेंदू के जब होता है तो सब जल गए, 3 दिन जला है पूरा जंगल। कल गांव में बच गए ना, गांव भी आ जाता, पेड़ पौधा भी जल गए, पाती साथी में बेच लै 150 बेच आए, संध्या के लिए आवे तो बाल बच्चन का खियावे पियावे, वही में आटव लै, वही में नोनव लै, वही में हर चीज लै, अब तो कोई सहारा रही नहीं गया। पत्ता सब तम नहीं, तेंदू को टोड़ रहा वो भी जल गया, अब कोई चीज नहीं रह गया जंगल में, कैसे मैसे मैं जड़ी बूटी में तोड़ के मैंने कैसे पेट जियाता रहा, तब वो भी चला गया। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं कोरोना काल से पहले लोकल ट्रेनों में सफर करके जंगलों में अपना रोजगार ढूंढती थीं और घर चलाती थीं, लेकिन फिर आ गई महामारी जिसमें कुछ महीनों तक तो सभी ट्रेनें बंद ही रहीं, और जब ट्रेनें चलना शुरू हुईं तो लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए भी प्रशासन ने नए नियम बना दिए, जैसे टिकट होना अनिवार्य कर दिया, आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया, यहाँ तक कि किराया भी बढ़ा दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई इन आदिवासी परिवारों को, जिनके लिए पैसे की किल्लत के कारण रोजाना ट्रेन में सफर कर पाना मुश्किल हो गया, और परिणाम स्वरूप
रोजगार की तलाश में अब ये लोग मीलों का सफर पैदल ही तय करते हैं। या तो क्या कहता है वो? टीटी कहते कि तुम्हारी आदत नहीं जाएगी पुरानी, तुम वह आदत पकड़े हो। तुम कब क्या करे, मोबाइल नहीं है मेरे पास, हम टिकट कहाँ पाए? 18 दिन में तुम टिकट बनवा, फिर ट्रेन में चढ़ो तो इंदिरा माला का बच्चे भूखा ना मरिए दीदी, तुम्हारी बता दो। 5-6 रोज में टिकट बनवा, जबकि 18 दिन के 20 दिन के 33 दिन के पैसा धारा, चाहे तुम मारो चाहे गरिया चाहे छड़ा ले मारे रोज तो जाई गाड़ी में। तो रोज रोज टिकट तो लिया नहीं होगा ना? पहले राधी तो रोज के टिकट मिल जा रही, अब है तो मोबाइल से आधार कार्ड से टिकट बनवा, तो हम गरीबन का कहाँ है तब पैसा, रोज रोज के बनवा हमका टिकट। तो टिकट क्या होता है, एक दिन नहीं होता? कितने दिन लगते हैं टिकट? 2-3 दिन पहले करवाना पड़ता है आधार कार्ड लेके और मोबाइल नंबर मांगते हैं, फिर उसके दूसरे तीसरे दिन देते हैं, तो इसलिए नहीं जाते हैं लोग लेके, मतलब हम ही लोग जाते हैं। कभी करवाया टिकट आपको? नहीं, अभी तो नहीं करवाया, मांगते हैं कहते हैं टिकट दो, नहीं पकड़ के बंद कर देंगे, पकड़ लेते हैं, तो इसलिए नहीं जाते हैं लोग लेके, मतलब हम ही लोग जाते हैं। हम रोज रोज को टिकट कहाँ कटवाएंगे, अगर हम टिकट कटवाएंगे तो हम अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे, हम लोगों के लिए टिकट उकट नहीं है, हम इसी तरह आएंगे इसी तरह जाएंगे। उधर MP जिले के टीकमगढ़ गांव के सोपान में भी एक आदिवासी बस्ती है जिसमें तकरीबन 25 से 30 परिवार रहते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस पूरी बस्ती में केवल 3-4 आवास ही बने हुए हैं और बाकी सब लोग पन्नी डालकर या मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। क्या अपने आलीशान घरों में जीवन बिता रहे अधिकारी कभी इन परिवारों की पीड़ा समझ पाएंगे? घर नहीं है रह रहे और कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ऐसे बच्चा शादी कर दी उनके भी वोट भी दे, ऐसा हो रहा ना बच्चा हो नहीं जाना, हमें नहीं है नाती शादी के लाना हुआ है और घर टपज्जा है नहीं। जब से खबर है जब से कोई कुटी नहीं आई है, न कोई नहीं है कि दुकान वकान कुछ नहीं आया है। तो किस तरह की दिक्कतें आते हैं आपको? वो तो हम क्या देखो घरे है तो देखो कच्चा मकान बना है भी, देखो टपरा में भी धुआं लगे के इसमें रह रहे हैं। देश के हर नागरिक की पहचान का सबूत कहे जाने वाले आधार कार्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आधार कार्ड होने के लाभ, उसके द्वारा मिलने वाली सुविधाएं आज हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पन्ना जिले के गांव बालूपुर और राजपुर में लगभग 200 आदिवासी ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड ही नहीं बने हैं। इन लोगों ने कई बार विभाग के चक्कर लगाए और आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हाथ निराशा ही लगी। आधार कार्ड बना है? अभी नहीं बना है। अभी आपने वोट डाला है? वोट हमने नहीं इतना डाला है, हमें जब कुछ नहीं है तो हम क्या डालें। सही है। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल की। अच्छा, पढ़ाई किया है? हाँ। कितने तक? 5वीं तक। आधार कार्ड है आपके पास? नहीं। और किसके पास नहीं है? असंतराम। कौन है संतराम? हाँ भज्जा। छोटा है? मंजली। अच्छा, तो आपने घर में तुम लोग कितने लोग हैं? 7। 7 में से कितने लोगों के बने हैं? सब जनन के बने, 2 जनन के नहीं बने। तो देखा आपने कैसे हमारे देश के आदिवासी समाज की आधे से ज्यादा आबादी आज भी मूलभूत अधिकारों के लिए जीवन से जंग लड़ रही है। सरकार ने आदिवासी दिवस तो हर साल मनाया और उनके विकास के वादे भी किए, लेकिन सच्चाई तो हमारे सामने है। क्या कभी ये परिवार अपने अधिकारों को जान पाएंगे या सिर्फ कागजों में ही आदिवासी दिवस मनाने से उनका पेट भर जाएगा? देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।